नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्रोनेक्स्ट में स्वागत है, जहां पर आपको कृषि संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल के एक ऐसे हानिकारक कीट के नियंत्रण और रोकथाम के बारे में, जो सुबह और शाम के तापमान के बड़े अंतर की वजह से खेतों में आकर गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, जिस कीट को हम गेहूं की फसल का सैनिक कीट या आर्मी वॉर्म के नाम से भी जानते हैं। इस कीट का प्रकोप गेहूं के खेतों में सुबह और शाम को दिखाई देता है। सबसे पहले यह गेहूं की पत्तियों और कमजोर तनों को खाकर नष्ट कर देती है और उसके बाद यह गेहूं की बालियों और हरे भागों को खाकर जीवित रहती है। और संक्रमण के अधिक फैलने पर यह मिट्टी के अंदर जाकर पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचाती है, जिसके कारण पौधे की जड़ प्रणाली नष्ट हो जाती है और पौधा समय से पहले सूखकर मर जाता है। सबसे पहले तो पिछले साल की फसल के अवशेषों को जलाकर नष्ट कर दें और गेहूं की फसल के साथ सरसों की खेती करें और 4 से 5 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ लगाएं और उसमें इस्तेमाल होने वाला चिपचिपा पदार्थ जो कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करता है उसको 20 से 25 दिन के अंदर बदलें। 800 ग्राम कार्बराइल को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ छिड़काव करने से और 300 ग्राम ट्राइक्लोरोफोन को या 150 ml डाइक्लोरोवॉस को 200 से 400 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ छिड़काव करने से इस कीट से बचा जा सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।